और ये मेरी मैया इतनी लंबी लड़की, ऐसी लड़की से करवाओ शादी जो मेरी गोदी में उठा घूम है मम्मी, ऐसी लड़की से शादी करवाई हो जो मेरे को गोदी में उठा के घूमते रहे। आते रहते हैं भाई साहब, ये देखो ये 27 कचहरी बोलते हैं इसको, 27 कचहरी यानी मिनी सेक्रेटरी जो फैसला वगैरह बताते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता था, जो 27 राज्यों के मंत्री जो राजा के अंडर में काम करते थे, लगान लेना, टैक्स वगैरह वसूल करना, किसी गांव से लेना है, किससे लेना, कौन से राजा को देना है, किसको देना है, तो यहाँ पे 27 कचहरी में राज्य 27 राज्यों के मंत्री बैठ करके राजा के अंडर में काम करते थे, लेखा जोखा यानी पढ़ाई लिखाई का। ये मिनी सेक्रेटरी है यहाँ पर, मिनी सचिवालय काम करने का यहाँ पर, उसको 27 कचहरी के नाम से जाना जाता है। उस समय में जैसे तहसीलें नहीं होती थी ना, तो सारे राज्य के मंत्रियों को यहीं पर बैठा करके ये पे लेखा जोखा सिटी वाले चूल्हे हैं चूल्हे। ये देखो गीजर है पुराने जमाने का, ये गीजर है फायर स्टेशन, यहाँ पे आग लगाई जाती है और पानी जो गर्म होता है अंदर के साइड में टैंक बना हुआ है, जब सर्दियों के समय पानी गर्म करने के लिए अंदर टैंक बनाया हुआ है, अंदर टैंक बनाया हुआ है, ये एक सीढ़ी है यहाँ पर जमाने की बनाई हुई है, सीढ़ी है नीचे में तो फायर स्टेशन लकड़ी लगाई हुई है, अंदर में जो टैंक बना हुआ है लोहे का एल्यूमिनियम के कॉपर की प्लेट लगा के टैंक बनाया हुआ है, अंदर की साइड में से देखेंगे और वेंटिलेशन के लिए धुआं अंदर नहीं जाए, इसके लिए वेंटिलेशन चलो भाई। वो था हमारे इनके पुराने टाइम का हमारा गीजर, हमारी फैमिली पीछे रह जाती है। अभी हम जा रहे हैं स्नान घर के लिए, गीजर तो देख लिया पापा, वो गीजर था हाँ। पानी गर्म करने का टैंक है, ये देखो ये ठंडा पानी का है, ये गर्म पानी का है, ये वो चूल्हे का रास्ता है, इसमें गर्म पानी में जाता है, इसमें ठंडा पानी, ये हॉल्स दिया हुआ है नीचे में, टैंक के नीचे में हॉल्स दिया हुआ है, इन हॉल्स को निकालने के बाद में दोनों पानी मिक्स होकर के नलियों द्वारा, इन नलियों द्वारा इस हॉल में जाता है, पानी उसमें से निकलने के बाद में मिक्स हो जाता है, तो दोनों का पानी कौन पानी निकल रहा है, पानी नलियों द्वारा इस हॉल में जाने के बाद में ये अंदर में तुर्किश का घाट बना हुआ है। इधर से आउट हो जाएगी वापस, स्नान करने के बाद बता दिया यहाँ से नीचे में हॉल दिया हुआ है, पानी निकाल लेते चले जाता है, आइए इधर से घूमते हुए, सिटिंग एरिया नहीं, वो वेंटिलेशन के लिए खिड़की नहीं, पानी जो बाहर हाँ नीचे निकल जाता है, पानी जो लैग बना हुआ है ना नीचे में, नीचे में जाता है, और इधर से आने आने के बाद में स्नान करने के बाद में एक क्लोथ, यहाँ क्लोथ वगैरह चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम बनाया हुआ है ये वाला, ये चेंजिंग रूम एक पूरी साइकिल थी भाई अच्छी खासी। और ये उस जमाने के टॉयलेट, अच्छा हाँ ये टॉयलेट उस जमाने के बनाए हुए, ये इधर में जो अपन जैसे सिविल लाइन नहीं बनवाते हैं तो ये खड्डा है, यहाँ पर सर्वेंटर आ करके सफाई करके लेके चले जाते हैं, आ जाओ चलो इधर से बैग चलेंगे वापस, आ जाओ निकलते नए सीढ़ी नहीं है वहाँ पे, जंप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जंप, अच्छा मुझे लगा स्नान करना पड़ेगा, चलो भाई स्नान घर भी देख लिया, गजब था स्नान घर, ये देखो अंकल ऊपर में दिखाई दे रही है आपको ये चीज, हाँ ये आज से 450 साल पुरानी पेंटिंग है, आज की बनाई हुई पेंटिंग नहीं, आज से 450 साल पुरानी है, इसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग यानी वेजिटेबल कलर्स की पेंटिंग है, क्योंकि उस जमाने में राजा के पास में कोई केमिकल कलर्स नहीं होते थे, तो सिर्फ क्या होते थे आर्टिस्ट लोग होते थे, जो आर्टिस्ट लोग कौन होते थे, मीणा, मीणाओं के नाम सुना, मीणा जनजाति के जो लोग होते हैं आदिवासी, तो वो लोग ये काम करते थे,
ये 450 साल पुराना काम आज भी इस गांव में बनाया जाता है, जिसको मीना बाजार के नाम से, आर्टिस्ट के नाम से दिया हुआ है। अच्छा। मीना की जनजाति का नाम है तो मीना बाजार के नाम से उस चीज़ को बनाया जाता है। तो वो महल का सेकेंड पार्ट है, जब महल विजिट हो जाएगा अपना सेकेंड पार्ट देखने के लिए वो चीज़ चलेंगे, और वो चीज़ के लिए बाई कार होती है, अगर बाई जीप अवेलेबल होगी प्रेजेंट तो अपन चलेंगे, अगर बाई बुकिंग आपको चलना रहे तो देखना हो तो वो बाई बुकिंग, बाकी कोशिश करूँगा जीप मिल जाएगी तो आपको जीप से दिखा करके रिटर्न दिया पाए। ठीक है, तो उसके लिए जीप वगैरह होती है 450 साल पुराना आर्ट देखने के लिए, जिसमें वो लोग राजा के लिए आज भी काम करते हैं, यही सारी चीज़ें बनाते हैं। आपके सामने वो बंदा बनाएगा वेजिटेबल कलर का ब्लॉक करेगा, आपके सामने पानी में डिप करेगा, 1% उस वेजिटेबल कलर का, 1% कलर है। देखिए आपने वो वेजिटेबल कलर्स की अंदर में जो पेंटिंग हो रखा है ये स्टॉन्स का कलर है, क्योंकि जयपुर सिटी में जो पेंटिंग हो रही है उसका स्टॉन्स का, जयपुर सिटी बहुत फेमस है, जहाँ से कलर लेते हैं, स्टॉन्स का कलर अगर पॉलिश होता है तो उसका कलर भी निकाला जाता है, इसका कलर स्टॉन्स का कलर है। इसको कहते हैं 7-8 कॉन्ट्रैक्ट बन गए, ओ भाई उन्हीं के पास। अब देखो सामने ये है शीश महल, जिसको दुनिया देखने के लिए आती है, यहीं से पहले समझेंगे फिर अंदर चलेंगे। यह है शीश महल, अंदर में जो शीशे लगे हुए हैं, ये बेल्जियम नाम की एक कंट्री थी जहाँ से राजा मानसिंह जी ने शीशे ला करके शीश महल का निर्माण करवाया। और दूसरी चीज़ की जो खासियत है, इसको दीवाने खास भी बोला जाता है, दीवाने आवर ने बाहर देखा था, दीवाने खास है, दीवाने खास तो सिर्फ खास मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाती है, और खास मेहमानों के साथ में बैठ करके जो भी फैसले लिए जाते हैं वो दीवाने खास में, तो उसको दीवाने खास भी कहा जाता है। आइए अंदर, इसमें नाइट के समय में आग अगर एक कैंडल फायर करोगे ना तो पूरा स्टार स्टार दिखाई देता है, जैसे कि मैं भी फ्लैश चलाऊंगा तो आपको दिखेगा, लेकिन अभी डे टाइम ये देखो मेरे हेड के ऊपर आया, आपके हेड के ऊपर जब आपको दिखाएगा, तो इसमें नाइट में अगर आप एक हेड फ्लैश चलाओगे तो इसमें दिन में तारे देखने को आ जाए, तो ये कहावत सही हो जाएगी, दिन में तारे दिखा दूंगा। हाँ गर्मियों के दिनों में भी तो रहना होता था ना, तो समर टाइम में क्या करते थे, गर्मियों में इसमें पाइप लगा देते लोहे के पाइप, और जो झूठ नहीं होती झूठ और घास की झूठ होती उसकी झूठ बिछा करके, और उधर में जो वो टैंकर बना हुआ है झूठ बिछाने के बाद में पानी के छिड़काव हवा चलती है कंडीशनर का काम होता है, यानी कूलिंग ठंडा हो जाता है, तो गर्मी में वो लोग अपना टाइम ऐसे स्पेंड करते, और जो कड़े लगे हुए हैं उनके अंदर पर्दे लगते थे बड़े बड़े, इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर इसलिए बोला जाता है, यहाँ पर ओनली मैरिड वुमेन्स को अलाउड होता है, जिसको शादीशुदा होती है ना उसी को अलाउ हुआ करता था। सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर, अच्छा। सुहाग मंदिर, सुहागन, सुहागन बोलो, मैं सुहाग मंदिर सोच रहा था, सुहाग तो सुहागन जो होती थी उसको अलाउड होता था। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो राजा के साथ में जो जाते थे कहीं युद्ध के दौरान सोल्जर जाते थे, तो यहाँ पर क्या करते थे, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए अखंड दीप की जोत जलाया करते थे। अच्छा। रानिया और दासिया दो आओ इधर से दिखाएंगे लड़ाई करने, ये झरोके, झरोके बने हुए हैं, देखो आप इधर से भैया, हाँ घरों के बने में दीवाने आम में जो भी मीटिंग होती थी, तो यहाँ से देखा कहाँ जा रहे हो आज तुम हैं? तुम जो है बेटा ये कुछ तो जा रहा होगा, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था, टू नहीं एक मिनट, हाँ ये फ्लावर वाला जो है उसके रसोई घर आओ, और तो मेरे घर की और तो रसोई घर देखो, ये किचन है इधर में जो बना हुआ रेस्टोरेंट किचन आजकल सही है।
ये क्या है? तांबे की रोड। ये तांबे की है। तांबे की है रोड। देवास एक खास। जो ब्लू कलर का डॉट दिखाई दे रहा है ये आपको सिर्फ यहाँ से लेकर के और वहाँ तक लास्ट में ब्लू डॉट दिखाई देगा। इसका मतलब क्या संकेत है? जो यहाँ का जो पैलेस के सबसे जो ठंडा इलाका है वो ये है, वो ये पैलेस है। जो गर्मियों में राजा लोग अपने और रॉयल फैमिली जो सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करती थी इस जगह में करती थी गर्मियों के दिनों में, समर टाइम्स में। दूसरी जो ब्लू डॉट्स वाला निशान है ये पैलेस में सबसे ठंडा इलाका है, सबसे ठंडा एरिया है। आगे में एयर कंडीशनर रूम बना हुआ है, नेचुरल एसी का एयर कंडीशनर आगे बना हुआ है। पालकी है व्हील चेयर वाली, इसमें व्हील चेयर्स भी है और उठाने का भी है दोनों में। तो व्हील चेयर्स तो कहाँ पे काम आती है? जहाँ पर रैंप आता है वहाँ पे व्हील चेयर्स का काम होता है, और जैसे स्टेप्स आती है तो उसको उठा के भी लेके जाया जा सकता है। और इसका जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ये चंदन की लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसीलिए इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। तो ये वुडन जो है चंदन की लकड़ी से बना है, एज इट इज आज भी ऐसे कैसे रखी हुई है उस जमाने के लिए। फटाफट नंबर नहीं आता। देखो सामने ये जो झरना टाइप दिखाई दे रहा है इसमें से ऊपर से पानी आता है, ठीक है, झरना पानी आता है नीचे गार्डन में चला जाता है। और साइड में जो वेंटिलेशन खिड़की की हुई है, अभी अपन ऊपर जाके आए थे तो पहाड़ी की जो एयर होती है ना, पहाड़ी इलाका है, हवा तेज़ चलती है, इसके सामने भी शायद उन्हें पहाड़ी में तेज़ हवा ही आती है, तो इसमें एयर कंडीशनर का काम करती है कूलेंट का, पूरे इस पैलेस इस जगह को ठंडा रखने का काम इस एयर कंडीशनर रूम का। तो इस जगह से पूरा एयर ठंडा करता था, तो ये वाला नेचुरल एयर कंडीशनर रूम बना है। तो पानी कहाँ से आता था? ऊपर से आता है, यहाँ से जाता बाहर। नहीं, ऊपर कहाँ से पानी आता था? चंदन की लकड़ी का विंडो बना हुआ है, ऐसे दरवाजे पहले से लगे हुए हैं, इसमें लास्ट विंडो बचा हुआ है। इसमें जो डिजाइनिंग है और जो डिजाइनिंग बनी हुई है सेम डिजाइन है गार्डन के अंदर। पहाड़ी देखी थी ना आपने? हाँ। इस पहाड़ी के पीछे सागर लेक बना हुआ है। सागर लेक? सागर, बहुत सारा सागर है, सागर बोल रहा हूँ, तालाब नहीं बता रहा। हाँ। सागर लेक बना हुआ है, वहाँ से वो लोग पानी का यूज़ लिया करते थे। और जो चमड़ा आता था पहले लेदर का, लेदर के चमड़े से पानी लेके गए। अच्छा, लेक आते थे उधर से, जो सर्वेंट होते थे यहाँ के काम करते थे, पहले उनके पास में हस्तबल घोड़े हाथी सब हुआ करते थे। उधर से लेक बना हुआ सागर का, और जो तोप बनती थी तो तोप बिना पानी की थोड़ी बनती थी, तोप के लिए भी तो पानी चाहिए था ना। वो तोप भी जैकेट पहले देखा ना, उधर भी तोप में सागर में से पानी जैकेट में जाता था। पीछे सागर लेक बना हुआ पहाड़ियों के बीच। अच्छा, तो मजदूर लेके आते थे पानी, ऊपर चढ़ाते थे। हाँ।